कल आपने सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन का आंसर दिया था केंद्र में वापस आ जाना, तो केंद्र में वापस आ जाने मतलब कैसे केंद्र में वापस आ जाते हैं, मतलब कई सारी चीजें आप बढ़ा चुके हैं, हाउ टू डू इट, बट अभी भी जो है थोड़ा सा देखो उसके बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पर तुम जो चीज जानना चाह रहे हो वो उसकी विधि है, डिवाइस। बात तुम समझ चुके हो कि परिधि से केंद्र की ओर कैसे आना है, क्यों आना है। देखो उसी कई विधियां हैं। एक विधि तो है महसूस करने से रिलेटेड और एक है तुम्हारे देखने से। तो तुम देखने का एक अभ्यास धीरे धीरे डालो और फिर तुम्हें दिखाई देगा कि तुम केंद्र की ओर लौट रहे हो। सामान्यतया जो देखने का अभ्यास होता है व्यक्ति का वो इस तरह से होता है जैसे उसकी जो निगाह है वो उससे बाहर निकल कर जा रही, उसकी दृष्टि की ऊर्जा बाहर की ओर फैल रही है, उसमें थोड़ा सा स्टेयर हमेशा शामिल होता है। इसीलिए ध्यानी व्यक्ति की आंखें प्रायः शून्य जैसी हो जाती है। तो इसको थोड़ा समझना है बस, फिर ये तुम्हारे अभ्यास में आ जाता है कि अपनी दृष्टि को कहीं फोकस्ड मत करो, देखो लेकिन इस सहजता से जैसे कि तुम देख नहीं रहे हो, जैसे कि तुम्हारी आंखें दर्पण है उन पर प्रतिबिंब बन रहा है। तुम किसी से बात भी कर रहे हो तो दो तरीके हैं, तुम बहुत गौर से उसे देख सकते हो तब भी तुम उसे देख रहे हो, इन कभी तुम उसे देख रहे हो लेकिन ऐसे जैसे कि उसका प्रतिबिंब तुम्हारी आंख पर बन रहा है। देखो आंखों का ढंग, तुम बिल्कुल भी उसे घूर नहीं रहे हो, ना तुम्हारी ऊर्जा निकलकर बाहर भाग रही, तटस्थ। इस अभ्यास को जैसे कि कोई चीज तुम्हारी आंखों से निकलकर बाहर जा रही थी और अब वो भीतर लौट आई, इन्वॉल्व हो गई, वो फोकस इन्वॉल्व हो गया है, आंतरिक हो गया। इसे केवल समझने की जरूरत है, फिर इसका अभ्यास करो, धीरे धीरे वो चीज पकड़ में आएगी। तुम कुछ भी देख रहे हो और देखने में अपनी आंखों को बिल्कुल शांत, अनस्टेयरिंग, जस्ट लाइक मिरर होने दो। फिर एक दूसरा उपाय यह है कि तुम जब भी तुम्हें लगे कि तुम बिखरे बिखरे से हो, तुम तनावग्रस्त हो, तुम्हारे भीतर चिंताएं दुश्चिंताएं सिर उठा रही हैं, तो इसका अभिप्राय है कि तुम केंद्र से निकलकर परिधि पर आ गए हो, तो उस समय तुम बस केवल जैसा मौका हो तुम अपने शरीर का कहीं भी कुछ स्पर्श करो, चाहे अपना चेहरा, चाहे अपने हाथ, चाहे अपनी उंगलियां, और शरीर की वाइटलिटी को, उसकी जीवंतता को, उसकी गर्माहट को अनुभव करो, फिर लौटाओ वापस अपने शरीर की ओर। तुम बात कर रहे हो, किसी से तुम काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी उंगलियों ने आपस में स्पर्श किया और तुम अपने शरीर की जीवंतता को अनुभव कर रहे हो, तुम बात भी कर रहे हो और तुम फोकस्ड हो गए हो, तुम अंदर लौटा, तुम्हारी ऊर्जा वापस लौट आई तुम तक। तो शरीर की जीवंतता को अनुभव करके कभी भी फोकस्ड हो सकते हो, ये भी बहुत सरल ढंग है। ये दो बहुत ही सरल ढंग, इनका मुश्किल होना बस इतना ही है क्योंकि ये बहुत सरल है, इनका अभ्यास करो। कठिनाई आए तो बताओ कि क्या नहीं हो पा रहा है और कैसे तुम अपने केंद्र में लौट आओगे, फोकस। तो ये अपने भीतर अपनी ऊर्जा को वापस लौट आने का भाव, तो इसमें लिए थोड़ा विजुलाइजेशन का भी यूज कर सकते हैं। विजुलाइजेशन का उपयोग ऐसे कि जैसे तुमसे कोई ऊर्जा, कोई प्रकाश, कुछ निकल कर बाहर जा रहा है और वो वापस लौट कर तुम तक आ गया, या जैसे तुम्हारी निगाह थी उससे कोई किरण निकलती है जो बाहर की ओर जा रही है, तो इस कल्पना से भी उस पे काम कर सकते हैं और वो किरण लौट कर फिर तुम्हारे भीतर चली गई। तुम देख रहे हो लेकिन वो जो धारा थी अब बाहर नहीं जा रही, भीतर आ गई। फिर केंद्र में होना, केंद्रित होना, सेंटर्ड होना,
ये सरल हो जाएगा। ये मेडिटेटिव डिवाइसेज हैं, इनका उपयोग करो। बाकी उस बात को जितना समझ सकते हो उतना समझो, क्योंकि समझ अपने आप ही केंद्रित कर देती है। क्योंकि जब तुम कई बार मेरे पास होते हो, मुझे सुनते हो, मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे मोमेंट जब तुम अचानक केंद्रित हो जाते हो, सेंटर्ड हो जाते हो, क्योंकि तब तुम्हें कहीं से समझ में आ जाती बात कि हाँ अच्छा ऐसा होता है, तो तुम केंद्रित हो जाते हो। तो अल्टीमेटली तो समझ ही केंद्रित करती है। तो समझ पर काम करते रहो और ध्यान की विधियों पर काम करते रहो, फिर केंद्र पकड़ में आ ही जाएगा। आंखें कम थकेंगी, तुम कम थकोगे, आंखें जीवंत रहेंगी, तुम ज्यादा जीवंत रहोगे। 80% व्यक्ति की ऊर्जा उसकी आंखों से ही नष्ट होती है, इसलिए तुम अगर कंसंट्रेट होकर के जिससे पहाड़ है ना तो उसको थोड़ी देर अगर देखते रहें, अपलग कहीं फोकस न करें, पूरा पहाड़ एकदम से देखें, तो थोड़ी देर बाद लगता है पूरा पूरा जो है आगे की तरफ आ रहा है विदाउट कंसंट्रेशन। हाँ ऐसा होता है, तुम ज्यादा जीवंत हो जाते हो और पहाड़ों की जीवंतता तुम तक लौट आती। इसीलिए जब तुम कुछ बहुत घूर घूर कर देखते हो तो तुम बहुत ड्रेन आउट हो जाते हो। कभी तुम गुस्से में किसी को बहुत घूर घूर कर देख दो, थोड़ी देर बाद तुम थका हुआ अनुभव करो, क्योंकि उस समय बड़ी तेजी से तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी आंखों से निकल कर बाहर चली जाती। इसलिए कई बार तुमने देखा होगा तुम कुछ भी ना करो, लेकिन अगर तुमने देखने का बहुत काम किया है, तुम कुछ लगातार देख रहे हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे कोई भीड़ हो, चाहे कोई और दृश्य हो, तो तुम थक जाते हो, क्योंकि ऊर्जा तुम्हारी आंखों से निकलकर बाहर बिखर जाती है। किताब पढ़ रहे होते हैं तो बिखर जाते हैं, किताब पढ़ते हैं या हाँ, किताब में अगर बहुत उस तरह से पढ़ रहे हैं कि तुम्हारी ऊर्जा आंखों से निकलकर बाहर बिखर रही है तो तुम थक जाओगे। लेकिन कई बार इसका उल्टा हो सकता है, तुम किसी संबुद्ध मित्र की किताब पढ़ो और अचानक तुम पाओगे कि तुम और जीवंत हो गए, क्योंकि वहां से ऊर्जा लौट कर फिर तुम्हारी आंखों तक पहुंच जाती, तुम तक पहुंच जाती। व्यर्थ की बहुत सारी चीजें पढ़ो तो तुम ज्यादा थका हुआ अनुभव करोगे, और किसी संबुद्ध मित्र की कुछ चीज पढ़ लो तो तुम जीवंत हो जाओगे, उसकी चीज सुन लो तुम जीवंत हो जाओ। तो ये तरीका है, क्योंकि वहां पर ऊर्जा लाइवली है, वाइटल है, वो बह रही है, बाकी जगह पर डेड है, वो तुम्हें खींच लेती है अपनी और तुम्हारी ऊर्जा को, तो इससे थका हुआ अनुभव करता है व्यक्ति। Thank you.